क्या देख रहे हैं बर्वे साहब? डील के पेपर्स तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हों, और हम उन्हें अपने नाम कराने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो सर्वे, मैं मीटिंग में हूँ, क्या हुआ? कार्तिक, कार्तिक प्लीज आप अभी इसी वक्त घर आ जाइए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कार्तिक, मुझे बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत करने वाला है। घर आ जाइए कार्तिक। सर्वे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और तुम इतना घबराई क्यों? आपने जो चूड़ियां दी थी ना कार्तिक, वो टूट गई। जो अच्छा नहीं माना जाता है कार्तिक, प्लीज आप घर आ जाइए। तोड़ दी? एक्सक्यूज मी सर, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे तोड़ दिया? कार्तिक एक तो पहले ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से आप मेरी बातों का मजाक बना रहे हो। आपको पता है यहाँ पर मेरी जान निकली जा रही है और आप? अरे इसमें जान निकलने वाली कौन सी बात है, ऐसी सिली बातें करोगी ना तो और क्या कहूंगा तुम्हें? चूड़ियां तो टूटी है, आसमान थोड़ी ना टूटा है, ठीक से रखी नहीं होगी, किसी का हाथ लगकर गिर गई होगी। कांच की चूड़ियां है, फिर भी देखो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आते समय और ले आऊंगा। ओके चलो मुझे अपना काम करने दो, मेरा लोग वेट कर रहे हैं। नहीं कांच, वो सिर्फ कांच की चूड़ियां नहीं थी, वो मेरे सुहाग की निशानी थी जो आपने मुझे दी थी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए करते प्लीज, आप अभी इसी वक्त घर वापस आ जाना। ठीक है बाबा, तुम रिलैक्स करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, लेकिन पहुँचते मुझे थोड़ा समय तो लगेगा ना, इसे तुमसे कह रहा हूँ कि बेवजह टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके मैं फोन करता हूँ। ये बीविया भी ना कह रही कि चूड़ियाँ टूट गई है, घर वापस आ जाओ। अब देखो कहने को तो मेडिकल स्टूडेंट है पर फिर भी अंधविश्वासों को मानती है। दूध उबल कर निकल कर बाहर कर गया तो कहती घर बैठो, घर से निकलते वक्त ठीक आ गए तो कहती पानी पियो और घर से बाहर मत जाओ। इन औरतों को बिना कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है परेशान होने के लिए। डील फाइनलाइज कर लेते। हाँ। रिया तुम ऐसे कान पकड़कर क्यों खड़ी हो? मामी वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब डांटोगी तो नहीं ना? हुआ बेटा? वो चूड़ियां जो थी ना मुझसे गलती से टूट गई। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। आप चाहे तो पेपर्स अपने लॉयर से पढ़वा सकते हैं। पहली बार थोड़ा ना करो ऐसा, कितनी समझ है मुझे, ये गड़बड़ कहाँ पर हो सकती है? फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो सिग्नेचर कर लीजिए सर, शुभ काम में देरी कैसी, ये लीजिए। जी बिल्कुल। काय रे कार्त्या, कैसा है रे तू? हाँ वैसे तू क्या सोचा था कि मेरे से किए हुए वादे का श्राद्ध करके अनि मेरे को घर से बाहर निकालेगा तो मैं कुछ भी नहीं करेगी? तेरे को ऐसे जाने देगी मैं? ये देख मेरे को, मैं वाइट्स ताई है, वाइट्स पुरानी ताई बोले तो। अब मैं तेरे साथ और तेरी बीवी के साथ क्या करती है वो तू देख। ताई, आपके इन धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको जो करना ना आप करो, लेकिन सुरभि और मुझे आप कोई अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं ताई, समझे?
ये काटिया। नहीं रे बाबा, इतनी आसानी से तेरे को मुक्ति नहीं देगी मैं। अभी तो बहुत कुछ दिखाना है मुझे तेरे को। इतनी जल्दी ऐसे खाली पीली कैसे जाने देगी मैं? हाँ ताई है मैं तेरी, थोड़ा तो तेरे को तड़पाने का हक बनता ही चाहिए मेरा। थोड़ा और दर्द बर्दाश्त कर ले फिर शपथ, मैं तेरे को हमेशा के लिए इस दर्द से मुक्ति दिला देगी। और ऐसे जो तेरा बचा कुचा दर्द रहेगा ना, उसको मैं किसी और की झोली में डाल दूंगी। आई पहले वो चूड़िया और अभी सिंदूर। तुम भी क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हो बेटा, ये सब गलती से हुआ है। हेमा जाओ जाकर कपड़ा लेकर आओ, सिंदूर पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, जाओ। हाँ खुशी बेटा अपने पापा को फोन लगाओ प्लीज। हाँ मामा रहती हूँ। सॉरी मामी मिस्टेक हो गई, जानबूझ के नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया ना, मामी गुस्सा नहीं है तुम पे, जाओ जाकर खेलो। रहने दे, वो कर रही है ना, तू जाके कार्तिक से बात कर और उसे कह देना कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो आई ने तुरंत घर पर बुलाया है, वरना जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो ऐसे ही परेशान रहेगी। जा कार्तिक से बात कर। खुशी बात हुई पापा से? नहीं मामा कुछ बात नहीं। मामा पापा घर कब लौटेंगे? सासु माँ कार्तिक भाग गया। वो एक आदमी था और तुम तीन, फिर भी उसको नहीं पकड़ सके तुम लोग। निहत्ता था वो प्यारे निहत्ता। तुम लोगों को काम सौंप कर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अरे जाओ ढूंढो, इधर वो पहुंच गया ना घर पे तो मेरे सारा खेल खत्म हो जाएगा प्यारे। जाए इधर से।